अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा यास एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ज़ारास डेली लाइफ कुकिंग। सो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन शाशलिक विद फ्राइड राइस। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करा है, 1.5 से 2 चम्मच के दरमियान मैंने सिरका यूज़ करा है, ठीक है। 1/2 टेबल स्पून मैंने जो है ब्लैक पेपर यूज़ करा है, 1/2 टेबल स्पून मैंने पेपरिका पाउडर यूज़ करा है और 2 टेबल स्पून मैंने जो है यहाँ पर चिली सॉस यूज़ करा है। हॉट सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने चिली सॉस यूज़ कर लिया है। यहाँ पे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने चिकन को डाल दिया है, ठीक है। आप लोग अच्छे से मैरिनेट करने के लिए इसको 30 मिनट तक रख दीजिएगा। हाँ, 30 मिनट हो चुके थे, मैंने ऑयल डाला पैन में और यहाँ पर मैंने इसको फ्राई कर लिया है। थोड़े से इसको ऑयल में ज़्यादा क्वांटिटी रखी थी मैंने, आप लोग चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, तो पर मैं आपको ये नहीं कहूँगी, आप लोग कम ऑयल में ही इसको फ्राई कर लें। तो यहाँ पे ये हमारी जब तक चिकन हो चुकी है, इसने अपना पानी छोड़ दिया। यहाँ पे मैंने जो है शिमला मिर्च और टमाटर और प्याज को कट करके रख लिया था स्क्वायर में, ठीक है, क्यूब्स में, जिस तरह हम लोग कट करते हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी और 5 से 6-7 मिनट के लिए इसको दम पर रख दूँगी। तो आप लोग अपने हिसाब से स्पाइसेस ऐड कर लिए। यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप लोग देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। ये तो देखने में ही इतना ज़बरदस्त और यमी सा लग रहा है। और विंटर है तो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वैसे ही अच्छे। यहाँ पे वो चिकन का प्रोसेस ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 बड़े टमाटर ले लिए हैं, इसको बॉयल पानी में मैंने इसको बॉयल कर लिया और आगे से कट लगा लिया है। तो मैंने टमाटर भी अच्छे से ब्लेंड कर लिए। यहाँ पे मैंने लहसुन को कूट लिया है, 3 से 4 जो है मैंने लहसुन को कूट लिया है। इसको ऑयल में डाल के हम अच्छे से सौते कर लेंगे। और याद रहे कि मैंने यखनी पहले से बनाई हुई थी, चिकन की यखनी सिंपल, उसमें मैंने जो है लहसुन और काली मिर्च और नमक के साथ मैंने उसको बॉईल कर लिया था। यहाँ पर मैंने टमाटो प्योरी डाल दी है, ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग मिक्स कर लें। और जो है आप लोग को मैं ये बार बार बताती चलूँ कि आप लोग स्पाइसेस अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, मैंने अपनी क्वांटिटी से ऐड करे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जब तक टमाटर थोड़े से हम इसको इसको अच्छे से हम लोग इसको सौते कर लेंगे। यहाँ मैंने दोबारा 1/2 टेबल स्पून मैंने काली मिर्च डाली है, 1/2 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई मिर्च डाली है, ठीक है, नमक हसबे ज़ायका और 1/2 टेबल स्पून ही मैंने जो है चीनी डाली है। अच्छा सॉरी, मैं वहाँ पे भी चीनी मैंने ऐड करी थी, तो मैं आपको बताना भूल गई। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब ये मैंने जो है यहाँ पे सफ़ेद मिर्च भी मैंने ऐड करी है यहाँ पे, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसका ऑयल ऊपर आ जाए तो हमने इसमें यखनी ऐड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है आज शाशलिक और फ्राइड राइस बनाने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने जो है केचप ऐड करा है। अब मैं जो है आहिस्ता आहिस्ता इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी। पहले मैंने गार्लिक भी यूज़ करा है और टोमेटो केचप भी यूज़ करा है। तो यहाँ पे मैंने गार्लिक के 2 टेबलस्पून तकरीबन मैंने डाल दिए हैं। अब मैं यहाँ पे सिंपल वाला केचप भी इसमें 2 टेबलस्पून इसमें ऐड करूँगी। तो अच्छे से आप लोग ने मिक्स करना है। और थोड़ी सी लंबी रेसिपी हो जाएगी तो ज़रूर आप लोग इसको फॉलो कीजिएगा। अच्छा, यहाँ मैंने यखनी के 1 कप लिया है, उसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया है। प्योरी भी रेडी हो चुकी है, तो यहाँ मैंने कॉर्नफ्लावर का 1 ग्लास जो है मैंने भर के ऐड कर दिया है, यखनी का जो हम इसमें यखनी के साथ ही मैंने कॉर्नफ्लावर को ऐड करा था। तो जितना हमने थिक रखना है उतना आप लोग ने भी रखना है। यहाँ पे हमारा जो है टोमेटो सॉस प्योरी भी रेडी है। यहाँ पे हमने सारे वेजिटेबल्स और चिकन ऐड कर लिए जो हमने पहले से बना के रखे थे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद, ठीक है, ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आया है, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से जितना भी इसको थिक करना चाहें सही आप लोग कर सकते हैं। किसी को थोड़ा सा जो है पतली ग्रेवी पसंद होती है, किसी को ज़्यादा गाढ़ी जो है ग्रेवी पसंद होती है। यहाँ पे मैंने इतनी रखी है बिल्कुल नॉर्मल क्वांटिटी में। तो चले अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें ऑयल डाल के मैंने थोड़ा सा उसमें लहसुन ऐड करा है, अदरक लहसुन। यहाँ चिकन मेरे पास पहले से मौजूद थी तो मैंने यहाँ इसको अच्छे से सौते कर लिया है। यहाँ पे मैंने अंडा बीट करके जो है फ्राई कर लिया था, सही है। इसको फिर मैंने यहाँ पे जो अंडे को ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च और गाजर भी ऐड कर लिया, थोड़ा सा मैंने नमक डाला।
हमारा ये भी रेडी हो चुका है। बॉयल राइस मैंने पहले से बॉयल करके रख लिए थे, अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें मैं ऊपर से जो है नमक काली मिर्च स्प्रिंकल कर दूंगी। तो ये आज की हमारी यमी रेसिपी रेडी हो चुकी है, चिकन शाशलिक विथ फ्राइड राइस। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आप लोग को कैसी लगी। और मैंने इसको थोड़ा सा टेस्ट करा था, बहुत ही यमी बना है। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।